असलकुम व बरकातहू प्यारे दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आपके घर में कहीं से अचानक चींटी आ गई है ना और आप उस चूंटी को भगा करके परेशान हो चुके हैं मगर वो चूंटी जो है ना वो आपके घर से भाग नहीं रही तो फिर आप क्या करें क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि घर में अचानक है ना कहीं से बहुत सारी चींटी आ गई है. अब वो परेशान हो जाता है घर वाला कि हम क्या करें कैसे भगाएं, तो आज की इस वीडियो में मैं इन श्लाज़ीज़ आपको दो तरीक़ा बताऊंगा, है ना एक रूहानी तरीक़ा और एक टोटका जिसके ज़रिए से आप जो है च्यूटियों को अपने घरों से बिल्कुल आसानी के साथ भगा सकते हैं बस शर्त ये है कि आप वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो जी हाँ दोस्तों सबसे पहले आपको जो रूहानी तरीक़ा है जो रूहानी तरीक़ा मैं आपको बताने वाला हूँ उस रूहानी तरीक़े को समझे है ना वो रूहानी अमल ये है कि आप एक प्याला ले लें है ना जो बिल्कुल नया प्याला हो है ना उसको कि, किसी काम में अब तक इस्तेमाल ना किया गया हो यानी अछूत प्याला लें और उस प्याला को लेने के बाद उस प्याले के अंदर आप मार्कर से या पेन वगैरह से या वालियो लिख लें है ना और या वालियो लिखने के बाद उस प्याले में आप पानी डाल दें और फिर उस पानी को आप घर के दीवार में चारों तरफ छीट दें है ना जब आप दीवार में छीटें उस पानी को तो बस ये बात ध्यान में रहे कि वो पानी ज़मीन पे ना गिरना गिरने पाए है ना इस बात का एहतियात ज़रूर रखें और दूसरा जो अमल टोटका का अमल है वो टोटका का अमल इस तरह करना है कि आप किसी पंसारी की दुकान चले जाएँ है ना और पंसारी की दुकान से आप हींग ख़रीद कर ले आएँ और उस हींग को अपने घर में जहाँ चींटी वग़ैरह है आप उस जगह पे रख दें इन श्लाज़ीज़ च्यूटियाँ आपके घर से दूर भागती हुई नज़र आएगी और फिर आपके घर में चूंटी नहीं नज़र आएगी तो जी हाँ दोस्तों ये दो तरीक़ा है एक रूहानी तरीक़ा और एक टोटका ये दोनों अमल करके आप देखें इन शाजीज़ आपके घर से चूंटी खटमल और मोसी जानवर जो कुछ भी है वो सब दूर भाग जाएगा इन शजीज़ तो जी हाँ दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप हमारी मुकम्मल बातों को सही तौर से समझ गए होंगे असलमेकम्लाबरक